तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 मूवी के बारे में। शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। जो थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसमें लीड रोल निभाते नजर आएंगे यामी गौतम, प्रिया मणि एंड अरुण गोयल जैसे और भी कई सारे स्टार। मैंने देखा रात 9 बजे वाला शो और भाई थिएटर ऑलमोस्ट हाउसफुल थे। तो कैसी है मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए थिएटर में जाना वर्थी है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। दोस्तों, मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य झम्बाले ने, जिसका बजट मात्र 20 करोड़ के आसपास है, यानी कम बजट में बड़ा धमाका है ये मूवी। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों कुछ लोग इस मूवी को प्रोपोगंडा भी बोलेंगे, लेकिन मुझे इस मूवी में कहानी देखने को मिली है भाई। तो जैसा मूवी का नाम है वैसा इसका काम है। तो कहानी फोकस करती है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कि धारा 370 हटने से पहले कैसे जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमले, पत्थरबाजी और जिहाद के नाम पर सुसाइड बॉम्बर आतंक फैला रहे थे, फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने कैसे इस आर्टिकल 370 को हटाया और उसके लिए किस किस तरह की परेशानी आई, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसकी लेंथ वेरी करती है 2 घंटे 30 मिनट के आसपास। इन द मीन टाइम, अगर इस मूवी का रिव्यू मुझे एक लाइन में करना हो तो बस मैं यही कहूँगा कि यह एक दमदार मूवी है जिसका बजट बहुत कम है लेकिन काम बहुत अच्छा है। तो इस मूवी को मिस करने की गलती भूल से मत करना। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों यामी गौतम का काम बहुत ही दमदार है मूवी में भाई। उन्होंने जूनी अक्षर की भूमिका निभाई है, जो J&K की एक स्थानीय एजेंट थी और बाद में उसने NIA ज्वाइन कर लिया। इसमें कोई डाउट नहीं कि उसने ये रोल निभाया नहीं बल्कि जिया है। उसके फेस एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा दमदार थे, जो सिचुएशन से मैच भी हो रहे थे। या यूँ कह लीजिए कि यामी गौतम ने आज तक की सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस दी है भाई अपनी। उन्होंने अपना 100% दिया है, जो उसको क्लाइमैक्स तक खींच के ले जाने में कामयाब हो जाती है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और प्रिया मणि मैम का काम भी अच्छा था, उन्होंने राजेश्वरी स्वामीनाथन मैम की भूमिका निभाई है और नो डाउट उसमें वो फिट भी हो रही थी भाई। और दोस्तों, अरुण गोविल सर ने मोदी जी की और किरण कामरेकर ने अमित शाह सर की भूमिका निभाई है और नो डाउट उसमें वो अच्छे भी लग रहे थे भाई। और भाई अमित शाह सर के डायलॉग इतने तगड़े थे कि एक जगह पर तो रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब, जब वो बोलते थे कि धारा 370 को रद्द कर दिया गया है। इसलिए एग्रेसिव हो कि जम्मू एंड कश्मीर के PAK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। और भाई, इस मूवी में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट ने काम किया है ना, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी तो सच्ची घटना के ऊपर आधारित है ही, और साथ में इसकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई। यानी कि मूवी को 6 भागों में बांटा गया है, जिससे कहानी आपको आराम से समझ में आ सकती है। मूवी का BGM भी बहुत ज़्यादा दमदार है और मूवी के BGM के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई वाह, मज़ा आ गया। और भाई, मूवी में पुलवामा अटैक के ऊपर भी फोकस किया गया है, जिससे यह मूवी आपसे इमोशनली कनेक्ट जरूर हो जाएगी। और दोस्तों, मूवी आपको यह भी बताएगी कि कैसे कश्मीर में पत्थरबाज पैसों के लिए अपनी फौज पर पत्थर मारते थे और अपोजिट पार्टी का क्या रवैया और क्या ख्यालात थे इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया गया है। दोस्तों, बातें तो और भी है बताने के लिए, लेकिन अगर सब कुछ बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो हो ही जाएगा और साथ में मैं स्पॉइल तक पहुंच सकता हूं भाई। बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों, इस मूवी का स्क्रीन प्ले स्लाइटली स्लो फील होगा आपको, स्पेशली इसके फर्स्ट पार्ट में। आपको ऐसा लगेगा कि मूवी को लंबा खींचा जा रहा है, पर इतने सेंसिटिव टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से अनफोल्ड किया गया है भाई, और उसमें टाइम तो लगता है। और भाई, मूवी में मांस मसाला देखने की उम्मीद मत करना आप लोग। अब बात आती है कि मूवी को क्यों देखें। दोस्तों, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्शन मांस मसाला फिल्में पसंद है तो आपके लिए यह मूवी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको धारा 370 के बारे में नहीं पता है और उसको कैसे हटाया गया, उसका क्या प्रोसेस था, इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है। मूवी में कोई भी वल्गरिटी या न्यूड सीन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस और कहानी को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैं दूंगा मूवी को 4 out of 5 stars। बाकी इसके स्लो स्क्रीन प्ले के लिए 1 star तो आराम से कटा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू आर्टिकल 370 के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।